क्या हाल है दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं 75,000 रुपीज में आने वाले Asus TUF A15 एंड HP Victus का। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाते वक्त Amazon पे इन दोनों ही लैपटॉप्स का प्राइस 75,000 रुपीज चल रहा है। बाद में चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। HP Victus काफी टाइम पहले लॉन्च हो चुका है, TUF रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो हम यहाँ इन दोनों लैपटॉप्स का इन डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। हर चीज के बारे में बात करेंगे, हम प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे, ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करेंगे, परफॉर्मेंस, थर्मल्स, हर चीज के बारे में बात करेंगे। हर वो जरूरी चीज शामिल करेंगे इस वीडियो में जिससे फर्क पड़ता है आपके बाइंग डिसीजन पर। तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लोगे तो आप पूरी क्लैरिटी लेके जाओगे कि कौन सा लैपटॉप आपको बाय करना है। अगर आप बरेली से हैं, बरेली में कोई भी कैसा भी लैपटॉप बाय करना चाहते हैं, तो आप उसे एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको जो है पर्सनली हेल्प करूंगा, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूंगा इंस्टाग्राम पे। तो सिर्फ ये सर्विस जो है वो बरेली वालों के लिए ही है, तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो किसी भी क्वेरी से रिलेटेड। प्लस मेरे रेफरेंस से बरेली ऑफलाइन मार्केट से भी आप लैपटॉप बाय कर सकते हो, मैं आपकी काफी हेल्प कर सकता हूं इस चीज में। तो मेरे रहते बरेली में तो मैं आपको लैपटॉप बाय करने में कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा। इस वीडियो में इन दोनों लैपटॉप्स को कुछ ऐसे कंपेयर करूंगा कि जैसे मैं आपकी जगह हूं, मैं ही अपना पैसा खर्च कर रहा हूं और मैं ही लैपटॉप बाय कर रहा हूं, तो फिर मैं कौन सा लैपटॉप लूं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को। हाय, दिस इज अरुण एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल ड्रॉप्स। नए हैं आप हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, तभी आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगी। तो अगर आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, आप तुरंत वीडियो देखोगे, तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ेगी, हमारे चैनल को थोड़ी और हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले दोनों लैपटॉप के डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो TUF A15 काफी स्टडी लैपटॉप है, मैं सीरीज के सारे लैपटॉप्स को यूज कर चुका हूं, तो मैं काफी कुछ बता सकता हूं इस सीरीज के बारे में। प्लस ये जो लैपटॉप है वो रगेड लुक में आता है, तो इस वजह से आपको इस पे ज्यादा फिंगरप्रिंट्स नहीं देखने को मिलते और लैपटॉप पे ज्यादा स्क्रैच भी नहीं जल्दी देखने को मिलते। इस लैपटॉप की जो लिड है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी वॉबलिंग नहीं है, एक बार में ही आप अपनी लिड को जहां पर भी सेट करना चाहते हैं जिस एंगल पे भी आराम से सेट हो जाती है। Victus की क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छी मैं नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा खराब नहीं बोलूंगा। TUF से तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता इसकी बिल्ड क्वालिटी का, और ना ही ये TUF के बराबर इतना स्टडी है। Victus में आपको काफी ज्यादा वॉबलिंग देखने को मिलती है, फैन वगैरह अगर आपके कमरे में तेजी से चल रहा होगा तब भी इसकी डिस्प्ले वॉबल करेगी। बाकी सारे लैपटॉप्स के कंपैरिजन में इसकी वॉबलिंग थोड़ी ज्यादा है, तो इस वजह से जो यूजर्स का ध्यान है वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। बट ऐसा कुछ नहीं है कि लिड टूट के बाहर निकल जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस वीडियो में हम इन लैपटॉप्स के हर एक एस्पेक्ट को फोकस कर रहे हैं जो आपके बाइंग डिसीजन पर अफेक्ट डाल सकते हैं, तो अगर कोई भी पार्ट आप स्किप करोगे तो आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाओगे जो मैं आपको देना चाहता हूं। अब आ जाते हैं प्रोसेसर वाले पार्ट पे, प्रोसेसर को समझते हैं कि क्या कुछ मिलता है इस लैपटॉप के अंदर। तो TUF के अंदर आपको मिलता है Ryzen 7 4800H प्रोसेसर, जो कि Ryzen का 4000 सीरीज का एक प्रोसेसर है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। 8 कोर 16 थ्रेड्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। किसी भी तरह की कोई भी मल्टीटास्किंग करनी है, हैवी वीडियो एडिटिंग करनी है, कितना भी हैवी आपको काम करना है, ये प्रोसेसर आपका आराम से सारा काम निकाल देगा। HP Victus के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है Ryzen का 5000 सीरीज का लेटेस्ट प्रोसेसर। तो Ryzen का इसके अंदर आपको मिलता है Ryzen 5 5600H, 6 कोर 12 थ्रेड इस प्रोसेसर में आपको देखने को मिलते हैं। ये प्रोसेसर भी सुटेबल है हैवी वीडियो एडिटिंग के लिए, हैवी मल्टीटास्किंग के लिए, हर तरह के काम के लिए। बट ये भी सच है, TUF के अंदर आपको 2 कोर 4 थ्रेड एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, इससे आपका यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है, बहुत बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। थोड़ा सा तो पीछे रह ही जाएगा 5600H। Ryzen 7 4800H जो प्रोसेसर है वो 5600H से करीब आपको 15-20% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देगा, तो इतनी परफॉर्मेंस कम नहीं होती है। लोग इतनी परफॉर्मेंस डिफरेंस के लिए कम से कम 15-20 हजार रुपए भी स्पेंड करते हैं, तो इस पॉइंट को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। यहां पर जो आगे निकल रहा है वो सीधे सीधे TUF निकल रहा है। ग्राफिक्स कार्ड की बात करी जाए तो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर आपको RTX 3050 ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, जो कि NVIDIA का एंट्री लेवल एक ग्राफिक कार्ड है, जो कि आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है प्रीवियस सीरीज के कंपैरिजन में। इन दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर सेम TGP वाला RTX 3050 लगा हुआ है, तो ये दोनों लैपटॉप आपको सेम परफॉर्मेंस देंगे गेम्स में। 5600H की सिंगल कोर परफॉर्मेंस 4800H के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है, इस वजह से आपको 5-6 FPS ज्यादा देखने को मिलेंगे गेम्स में। बट ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसकी वजह से 4800H को छोड़ दिया जाए। RTX 3000 कार्ड्स के अंदर आपको रेट्रेसिंग तो मिलती है, इसके साथ साथ मिलती है DLSS। DLSS की हेल्प से अगर किसी गेम में आपको कम FPS भी मिल रहे हैं तो उनको आप आसानी से बूस्ट कर सकते हो। जैसे कि किसी गेम में अगर आपको 40 FPS मिल रहे हैं, 60 FPS मिल रहे हैं, तो आप उनको बूस्ट कर सकते हो, 70-80 तक ले जा सकते हो या 100 तक भी ले जा सकते हो, डिपेंड अपॉन गेम। अभी तो कुछ गिने चुने गेम्स में ही DLSS की सपोर्ट आपको देखने को मिलती है, बट फ्यूचर में काफी सारी कंपनीज इंप्लीमेंट कर रही हैं DLSS को उनके गेम्स में, तो फ्यूचर में आपको काफी गेम्स ऐसे लॉन्च होते हुए मिलेंगे और जो पहले से गेम है उनके अंदर भी DLSS इंप्लीमेंट हो जाएगा।
जाएगा। तो एक तरह से ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। टफ A1 5 के अंदर आपको मिलती है 15.6 इंचेस की 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले, जिसका 45% NTSC कलर गैमेट है, और ये मान के चलो आप करीब 63% sRGB इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ब्राइटनेस की बात करें तो करीब 250 से लेकर के 270 निट्स के आसपास इसकी ब्राइटनेस है। विक्टस के डिस्प्ले की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको मिलती है 16.1 इंचेस की डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। 45% NTSC ही कलर गैमेट है, तो 60% sRGB आप मान लो और 250 निट्स की ब्राइटनेस है। तो डिस्प्ले जो बेस्ट है वो टफ A1 5 का बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, बट विक्टस में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, क्योंकि विक्टस लैपटॉप का बिगेस्ट ड्रॉबैक है। विक्टस के अंदर 144 हर्ट्ज होना ही चाहिए था अगर इसे टफ से कम्पीट करना था। 75,000 रुपीज कोई छोटी रकम नहीं होती है, तो 75,000 रुपीज का अगर आप कोई लैपटॉप ले रहे हो तो भाई कम से कम उसके अंदर 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले होना चाहिए। बहुत सारे लैपटॉप आपको 65,000 में भी 120 हर्ट्ज का 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर कर देते हैं, तो इस लैपटॉप के अंदर 144 हर्ट्ज होना चाहिए था। RTX 3050 जो ग्राफिक कार्ड है, भले ही वो NVIDIA की 3000 सीरीज का एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड है, लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है ये ग्राफिक कार्ड, तो इस वजह से ये जो है वो 144 हर्ट्ज भी पुश कर सकता है कुछ गेम्स में, जो मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं तो वहां पर आपको डेफिनेटली अगर आपके पास 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले होती तो आपको एडवांटेज मिलती ही मिलती। तो अगर आप विक्टस के साथ जाओगे तो ये वाली एडवांटेज को आप मिस कर दोगे। दोनों ही लैपटॉप्स के डिस्प्ले काफी हद तक सेम है, सेम कैटेगरी के ही है, बट रिफ्रेश रेट का यहाँ फर्क है, जो कि काफी ज्यादा फर्क लाता है स्मूथ एक्सपीरियंस में। तो इन सारी बातों के बाद अब हम बढ़ते हैं रैम और स्टोरेज सेक्शन पे। दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर आपको 8GB DDR4 3200 MHz वाली रैम देखने को मिलती है, जिसे आप अपग्रेड कर सकते हो 32GB तक। दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर आपको पहले से इंस्टॉल्ड 512GB की NVMe SSD मिल जाती है। हार्ड डिस्क की कोई सपोर्ट इसमें आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि बड़ी बैटरी यूज की गई है, और इसकी जो SSD है उसे आप अपग्रेड कर सकते हो मैक्सिमम एक स्लॉट में 2TB तक। अब हम बढ़ चलते हैं उस हिस्से की तरफ जो किसी भी लैपटॉप का सबसे जरूरी पार्ट होता है, थर्मल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। मैं आपको क्लियर स्टोरी दे दूंगा जिसे आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि एनालाइज करने के बाद ही मैं कुछ भी बताता हूं। इस बात में कोई शक नहीं है कि टफ का जो थर्मल सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक है, तो यहां पर आपको एक एडवांटेज देखने को मिलती है कि जब भी आपका जो टेम्परेचर है वो 95 डिग्री से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहां पर आपका CPU थ्रॉटलिंग करने लगता है। मतलब यहां पर थ्रॉटलिंग जो है वो अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। यहां पर उसकी क्लॉक स्पीड जो है वो कम की जाती है प्रोसेसर की ऑटोमेटिकली, इस वजह से जो CPU है वो अपना टेम्परेचर आराम से मेंटेन करता रहता है। थर्मल्स के मामले में विक्टस में ये दिक्कत है कि गेम खेलते वक्त इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है कुछ गेम्स में, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है इस लैपटॉप के लिए। एटलीस्ट HP को इसके जो टेम्परेचर है वो लिमिट करने चाहिए थे 95 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे कि वो ओमेन में करता है, जैसे वहां पर टेम्परेचर्स को मेंटेन करने के लिए क्लॉक स्पीड डाउन करी जाती है, बिल्कुल इसी लैपटॉप में भी होनी चाहिए थी। अभी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी लैपटॉप के अंदर टेम्परेचर लिमिट नहीं है तो वहां पर जो प्रोसेसर है वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस निकालेगा, बिल्कुल थ्रॉटल नहीं करेगा, क्लॉक स्पीड को डाउन ही नहीं करेगा चाहे वो कितना भी गर्म पड़े, तो ऐसे में तो नुकसान आपका ही होगा, आपके ही लैपटॉप की परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी, क्योंकि ये चीज इस लैपटॉप के लिए काफी हार्मफुल हो सकती है। ऐसी ही कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है MSI के लैपटॉप्स में भी, बट HP इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है फ्यूचर BIOS अपडेट में, तो ये डिपेंड करता है पूरी तरह से HP पे कि HP इस प्रॉब्लम को फिक्स करता है या नहीं करता है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम अपने लेवल से फिक्स करना चाहते हो, अपने आप टेम्परेचर्स को लिमिट में लाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो Ryzen कंट्रोलर का। उसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले से हमारे चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है। सो यहाँ पर दोनों ही लैपटॉप्स का थर्मल सिस्टम काफी हद तक सेम है, बस यहाँ पर यही डिफरेंस है कि टफ के अंदर आपको लिमिटेड टेम्परेचर देखने को मिलते हैं, बट HP विक्टस के अंदर आपको लिमिटेड टेम्परेचर नहीं मिलते देखने को। अब आ जाते हैं दोस्तों बैटरी वाले पार्ट पे। टफ के अंदर आपको देखने को मिलती है 90 वाट आवर की बैटरी, और वहीं विक्टस के अंदर आपको देखने को मिलती है 70 वाट आवर की बैटरी। तो यहाँ पर टफ के अंदर काफी एडवांटेज है कि वहां पर आपको 20 वाट आवर की बैटरी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो इसमें काफी एडवांटेज आपको देखने को मिलेगी। जब आप इस लैपटॉप से बैटरी बैकअप लेने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपको करीब 1 से 1.5 घंटा ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा टफ में। तो फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए लेने के लिए। कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो टफ के अंदर काफी सारी एडवांटेजेस हैं, और कंपैरिजन के ही हिसाब से टफ के अंदर आपको कोई भी कॉन देखने को नहीं मिलता है। थर्मल्स की भी बात करो तो दोनों ही लैपटॉप्स के थर्मल्स काफी हद तक सेम ही हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, अगर मैं भी होता आपकी जगह तो मैं भी यही सोचता कि विक्टस HP का प्रोडक्ट है तो वहां पर ज्यादा ब्रांड वैल्यू मिल रही है, बट ऐसी ब्रांड वैल्यू का क्या फायदा है जहां पर आपको खुद को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो यहां पर आपको पूरी तरह से अकलमंदी से काम करना चाहिए, आपको टफ लैपटॉप ही बाय करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहां पर इन दोनों ही लैपटॉप्स के सबसे जरूरी एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है जो भी आपके बाइंग डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों ही लैपटॉप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप वहां से बाय करते हो इन लैपटॉप्स को चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर पाओगे, फ्यूचर में मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस निकाल पाऊंगा।
पाऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोनों में से कोई सा भी लैपटॉप बाय करने में, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए, वहां पर आपको बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा अमेजन का और फ्लिपकार्ट का, जहां पर भी ये लैपटॉप अवेलेबल है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई कमी लगी हो वीडियो में तो जरूर बताइए, मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।